सामने ही हम देखा जी तालिबान कितना खतरनाक आदमी है और तालिबान कितना बेकार बारबारिक है, क्योंकि लड़की लोगों को वो लोग बोलता है जी इस्लाम में है ही नहीं जी लड़की के ऊपर कोई जुल्म करेगा, मगर तालिबान तो इस लड़की लोगों को ही पहले जुल्म किया। मेरे सामने ही देखा है हमको खुद लड़की लोगों को रेप करने के लिए तालिबान को। तो उसी टाइम तो तालिबान को कोई पहचानता भी नहीं, जिस टाइम हम तालिबान को देखा है 1992 में तालिबान का नाम कोई सुना भी नहीं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बर्बरता का एक और नमूना पेश करते हुए तालिबानी आतंकवादी पक्तिक्का प्रांत की राजधानी खाराना में उनके घर पहुंचे और उनके पति और परिवार के दूसरे सदस्यों को बांध दिया। इसके बाद उन्होंने सुष्मिता को घर से बाहर निकालकर गोली मार दी। सुष्मिता ने अफगान कारोबारी जावाज खान से शादी की थी। 49 साल की सुष्मिता ने तालिबान के चंगुल से बच निकलने पर आधारित एक किताब लिखी थी, जिस पर 2003 में फिल्म भी बन चुकी है। काबुल में सुष्मिता सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी और तालिबान को उनके रचनात्मक काम रास नहीं आ रहे थे। अफगानिस्तान में पहले भी कई बार विस्फोटों के जरिए भारतीय लोगों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब तालिबान के किसी महिला को खास तौर पर निशाने पर लेकर उसकी हत्या की है। जाहिर है महिलाओं के लिए काम कर रही सुष्मिता तालिबानी विचारधारा को खटक रही थी। She was targeted several times. सुष्मिता की हत्या का मामला संसद में भी गूंजा और सदस्यों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि वो मसले पर अफगानिस्तान से नाराजगी जताए। We strongly protest against this murder of Sushmita Banerjee through you, sir. I appeal to government, please communicate our protest and anger to government of Afghanistan and take appropriate steps. ये घटना ऐसी नहीं है जिसमें हम उनसे कहीं अलग होकर कुछ बात कह सकते हैं। जो हुआ है वो उसका उतना ही उसका दुष्प्रभाव उन पर है जितना हम पर है, और इसमें इस दुख की घड़ी में हम लोग दोनों साथ हैं। उधर विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान की भी क्षति है।